हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है सदाम और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजी सदाम कंप्यूटर में। आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि आयुष्मान कार्ड आप अपने मोबाइल पे किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, चलिए बताता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल क्रोम को ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको टाइप करना है PMJAY, ठीक है। इस तरीके से टाइप करने के बाद आपको सर्च कर देना है। इसमें पहला लिंक मिलेगा, आप सकते हैं देख सकते हैं, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी बेनिफिट बेनिफिशरी पोर्टल PMJAY, आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरीके का पेज ओपन होगा। आपके पास देख सकते हैं राइट साइड में दो ऑप्शन है, पहला है बेनिफिशियरी, दूसरा है ऑपरेटर। अगर आप ऑपरेटर नहीं है तो बेनिफिशियरी पे क्लिक करके आप अपना मोबाइल नंबर डालिए और यहाँ ऑथ मोड दिया है, यानी आप किस तरीके से उसको लॉग इन करना चाहते हैं। पहला दिया रहेगा इसमें OTP, दूसरा क्या रहेगा आयरिस, और तीसरा फिंगरप्रिंट। आप उसमें तीनों में से किसी एक को च्वाइस कर लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पास देख सकते हैं मैं ऑपरेटर हूँ, ऑपरेटर में क्लिक करूंगा। इसके बाद अपना मोबाइल नंबर डाल दे रहा हूँ यहाँ पास। जैसे ही मोबाइल नंबर डालेंगे, इसको वेरीफाई करेंगे तो एक OTP आएगा, ठीक है। तो यहाँ पास देख सकते हैं ऑप्शन मिला है मेरे को, मोबाइल OTP, आधार OTP, आधार फिंगर, आधार फेसेट और यहाँ आधार आयरिस दिया हुआ है। तो मैं फिलहाल आधार मोबाइल OTP पे क्लिक करूंगा। इसके बाद यहाँ जो हमारे मोबाइल नंबर पे OTP आया है, उस OTP को मैं इसमें क्या करूंगा, फिल कर दूंगा। जैसे कि हमारे पास आ गया है तो मैं इसमें डाल देता हूँ इस तरीके से। और यहाँ जो कैप्चा दिया हुआ है हमारा रेड कलर में, जो कैप्चा हमारा यहाँ साइड में देख सकते हैं आप, यहाँ पास दिखा है हूबहू, इस तरीके हमको इस कैप्चा को इसमें फिल कर देना है। जैसे कि हमने यहाँ पास फिल कर दिया, अब आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे ही लॉगिन पे हम क्लिक करेंगे तो हमारा देख सकते हैं यहाँ पास लॉगिन हो गया। अब हमारे पास देख सकते हैं लेफ्ट साइड में यहाँ पास बहुत सारे ऑप्शन मिला है, न्यू एनरोलमेंट यानी किसी को नया अगर आयुष्मान कार्ड बनाना है तो हम इस पे क्लिक करेंगे। अगर ये जो नया बनाने वाला प्रोसेस है, मैं इसका वीडियो बना चुका हूँ, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से देख करके नया वीडियो बना सकते हैं। और दूसरा दिया है सर्च, तीसरा है लिंक आधार, चौथा पे दिया है डाउनलोड कार्ड और यहाँ पर दिया है कार्ड डिलीवरी। तो फिलहाल मैं अभी कार्ड को डाउनलोड करने के लिए बता रहा हूँ, इसलिए मैं डाउनलोड कार्ड पर क्लिक करूँगा। जैसे क्लिक करूँगा तो हमारे पास कुछ ऑप्शन ओपन होगा। इसमें हमको क्या करना है, इसमें आप सबसे पहले स्टेट को सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि हमारा छत्तीसगढ़ स्टेट है, हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। स्कीम यानी किसके तहत बना है, तो फिलहाल हम यहाँ राशन कार्ड को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर फैमिली आईडी में राशन कार्ड को सिलेक्ट करेंगे, हो सकता है कि आधार कार्ड भी डाल करके आप निकाल सकते हो, लेकिन मैं सबका निकालना है इसलिए मैं क्या करूँगा फैमिली आईडी सिलेक्ट करूँगा। और यहाँ पे उसका क्या करना है, राशन कार्ड नंबर डाल देना है। इसके बाद सर्च पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि हमारे पास जितने भी राशन कार्ड में फैमिली मेम्बर हैं उनका आयुष्मान बना हुआ है वो सारा शो करने लगेगा। आपको जिसको डाउनलोड करना है उसको आप इस तरीके से सिलेक्ट करके यहाँ से उसका नाम भी आपको शो होने लगेगा यहाँ पास। इसके बाद आपको सदाम हुसैन यानी मेरा डाउनलोड कर रहा हूँ इसलिए मैं उसको सिलेक्ट किया। यहाँ पास तीन ऑप्शन आपको मिलेगा, आधार OTP, फिंगरप्रिंट, आयरिस स्कैनर। यानी आपके पास अगर आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है तो आधार OTP वाले को सिलेक्ट कीजिए, अगर आपके पास आधार में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो फिंगरप्रिंट को सिलेक्ट कीजिए, और फिंगरप्रिंट अगर आपको काम नहीं करता है तो आंख को स्कैन करने वाले को नाम है आयरिस स्कैन, उसको सिलेक्ट करके आंख को स्कैन करके भी आयुष्मान कार्ड को डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको आधार OTP से डाउनलोड करने का तरीका। जैसे कि हमारे पास आधार OTP यानी आधार कार्ड मोबाइल नंबर लिंक है, इसलिए हमने आधार OTP को सिलेक्ट किया, वेरीफाई पे क्लिक किया, टर्म एंड कंडीशन को टिक लगाया और अलाउ पे क्लिक किया। अब हमारे पास क्या होगा, दो OTP आएगा, एक तो पहला ऑपरेटर आईडी का OTP आएगा और दूसरा आधार OTP। तो हमारे पास लगभग आ चुका है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पास हमारे पास जो OTP आया है मैं उस OTP को इसमें डालूंगा। 3 मिनट के लिए ये हमारा OTP रहता है। इसके बाद एक एप्लीकेशन का OTP आया होगा जो कि हमारे पास कुछ इस तरीके से है, मैं इसको भी डाल देता हूँ इसमें। डालने के बाद जैसी OTP को डालेंगे तो आपके सामने साइड में देखेंगे कि डाउनलोड का ऑप्शन यहाँ पास दिखने लगेगा, जैसे कि यहाँ पास देख सकते हैं। जैसे ही डाउनलोड पर हम क्लिक करेंगे तो हमारा आयुष्मान कार्ड यहाँ डाउनलोड होकर के चला जाएगा, उसको आप देख सकते हो यहाँ पास आ गया। इसका PDF भी आपको ओपन कर दिए, आप यहाँ से जा करके प्रिंट भी कर सकते हो। और इसको अगर अच्छे तरीके से आईडी कार्ड में प्रिंट किस तरीके से करना है उसका वीडियो मैं बना चुका हूँ पहले ही, आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, उस वीडियो को आप देख सकते हैं, या फिर आपको आई बटन में आपको दिखता होगा उस वीडियो को आप देख करके इस तरीके से आयुष्मान कार्ड को पॉकेट वाला साइज में प्रिंट कर सकते हो। तो आशा है, उम्मीद है कि आज का वीडियो आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।